हेलो, सलाम वालेकुम जी। ठीक वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है डॉक्टर साहब? हूँ। कौन सा बोल रहे हैं, कहाँ से? मियाँ जी बोल रहा हूँ, होली फैमिली के पास से ना। जी मेरी जान, फरमाएं, क्या पूछना चाहते हैं? ठीक, मुझे आपसे मुलाकात करनी है, कोई मेहरबानी फरमाए। बिल्कुल, इंशाल्लाह जब कोरोना से फारिग होंगे ना, जब तो फिर आप इंशाल्लाह ताला टाइम हम फिक्स कर लेंगे। नहीं, तो वो ऐसे है ना, किसी मस्जिद में आप नमाज पढ़ते हैं ना, उसका एड्रेस बता दें तो मैं इंशाल्लाह नमाज भी पढ़ लूंगा मैं आपके नमाज बिना। घर में आजकल पढ़ रहा हूँ, और मैं वैसे मस्जिद कुबा उसको कहते थे, अब उसका नाम उन्होंने जब से ये हुआ है ना, जमात वो जमातो दावा वालों की थी या कोई इस तरह की, तो उन्होंने हाफिज सईद साहब को पाबंदियाँ लगाई, तो उनको वो भी उन पे कब्जा किया। उस मस्जिद का नाम ही उन्होंने मस्जिद कुबा से मस्जिद तकवा रख दिया, तकवा, I-84 में। वहाँ मैं पढ़ता था, वहाँ मैं पढ़ता था, और तरावी भी उधर ही, क़ारी अब्दुस्सलाम अजीज़ी वो पढ़ाते थे। तो मैं, मेरी जान, अभी तो घर पे ही पढ़ता हूँ जब से ये कोरोना का हुआ है। आप किस सिलसिले में मिलना चाहते हैं? तो मेरी जान, मैं इस वक्त पूरे पाकिस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया के लोगों के लिए हाजिर हूँ। अभी जर्मनी से आपसे पहले कॉल थी, और उन्होंने तो मेरी जान, वो तो नहीं जर्मनी से आके मुझे मिलते, इसी तरह कोई कराची से या कोई कहीं से आके। मेरी जान वैसे मिले, बिस्मिल्लाह, जब रमजान कह रहा हूँ, जब ये कोरोना वायरस का हमला खत्म हो जाएगा, अटैक, या सेफ हो जाएंगे, तो फिर हम लोग मिला करेंगे। मैं बाय कोई आउट ऑफ रीच तो नहीं हूँ ना, मुझे आप मिल सकते हैं, आराम से मिल जाएंगे। मैं I-83 में हूँ, आपको पता ही है। तो आप जो मशवरा लेना है, आप वैसे मुझसे पूछें, अगर आपका कोई जाती मशवरा है जिसमें आप नहीं चाहते कि वो रिकॉर्ड हो, तो फिर वो भले आप आराम से, मैं आपको ये रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ, आपको वो भी मशवरा देने के लिए तैयार हूँ। नहीं, कोई मशवरा मेरे, तो कारोबारी है, लेकिन अच्छा, आपकी कारोबारी में तो कोई झिझक नहीं होनी चाहिए मेरी जान, शरा में शर्म नहीं होती। आप झिझक ना महसूस करें, आप करें, हो सकता है, चूंकि मेरे प्रोग्राम्स रिकॉर्डिंग होती है और यूट्यूब पे आते हैं, और हो सकता है इससे कई लोगों को फायदा हो, कई और का भी आप प्रॉब्लम जो आपके साथ शेयर कर लें वो लोग, और जो मेरे मुझसे मशवरा है बड़ा ही मुखलिसाना मिलेगा, सिंसियर एडवाइस। ठीक है जी, फरमाएं, क्या पूछना चाहते हैं? जी हाँ जी, फ्री रेंज में कहाँ रखना चाहते हैं? तो रखें ना, बिस्मिल्लाह करें, अगर जगह है, अगर अगर जगह है और वहां को देखभाल करने वाला है, तो आप, और खुली जगह, वो मेरे, आप प्रोग्राम्स तो देखते रहते हैं ना, और उसमें मैंने बहुत कुछ दे रखा है, अगर आप फरमाएं, क्या चाहते, क्या है उसमें? जी ठीक है, आप मेरी जान, दो चीजें हैं, अगर तो आप बर्ड्स रखना चाहते हैं गोश्त के लिए, तो गोश्त के लिए आप भले रखें, और उनको 3-4 महीने बाद ये बर्ड्स बेच दें, और नए जो जो एक फ्लॉक बन जाए, और दूसरा उसमें जब तैयार, जगह को पहले फिर साफ कर लें, सुथरा कर लें, बर्तनों को पूरा डिसइनफेक्ट करते हैं मुख्तलिफ फार्मलीन के साथ,
इसी तरह पिंकी के साथ धोते हैं सारा साफ सुथरे, और जगह को फिर से एक दफा चूना वगैरह करते हैं ताकि कोई किसी किस्म की कीचड़ वगैरह या कोई और इंसेक्ट्स जो कीड़े मकोड़े हैं उनसे निजात मिल जाए, ताकि आगे जाके नए परिंदे जब आए तो वो बड़े सही तरीके से रहें। तो वो इस तरह चल सकता है, क्यों नहीं, आप आराम से रख सकते हैं। सिर्फ ये है कि जब शदीद मौसम सख्त होता है सर्दी, उस वक्त बच्चे उनका एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है, और वो उसके लिए ब्रूडर्स वगैरह वो रखने होते हैं, ठीक है ना। तो ये, और आप देख लें मेरी जान, कोई ये रॉकेट साइंस नहीं है, और अगर आप उनको फ्री रेंज को अंडों के लिए रखना चाहते हैं वो भी आप अंडे लेके, और वो ज्यादा लंबा चौड़ा सिलसिला होता है, आप लंबे अरसे तक रखें और उनकी सही निगहदाश्त करें। टाइमली जो होता है ना उनकी देखभाल करनी, वो बहुत जरूरी होती है, और उनको बचाना बीमारी से, गर्मी से, सर्दी से, ये सारा कुछ ये आपको करना पड़ेगा। वो आप देखें, दो चीजें हैं, शमशाबाद से अगर लेंगे तो शमशाबाद वालों से आपको बच्चे भी मिल जाते हैं, वहां से बच्चे भी लें और उनको पालें, या फिर जहां से भी लेंगे शमशाबाद से अगर वो बनी बनाई खुराक चाहेंगे वो बना लें, और अगर अपनी बनानी चाहेंगे तो वो भी मेरे फार्मूले हैं वो मैं दे दूंगा, वो आप फार्मूले मैं आपका हाजिर हूँ जनाब, आप जब भी फोन करेंगे तो मुझसे वो ले लेंगे फार्मूला, वो मैं आपको फार्मूला दे दूंगा, आप किस तरह आपने उनको रखना है वो भी सारा कुछ हो जाएगा। तो देसी खुराक से, देसी जो खुराक है वो भी मेरे फार्मूले आप को मिल जाएंगे इंशाल्लाह ताला। ना हुए तो जब आपकी मुर्गियां आएंगी और जितने जितनी एज के होंगे उसी हिसाब से आपको अव्वल तो मेरे प्रोग्राम्स ऑलरेडी खुराक के मिल जाएंगे, अगर ना हुए तो मैं मेरी जान हाजिर हूँ आपको नए सिरे से बेहतरीन वो दे के पूरे फार्मूला के कैसे आपने देसी खुराक बनानी है, और कितने इस वक्त आपके पास, मुझे एक तो पता चल जाएगा ना कि कितने आपके पास परिंदे हैं इस वक्त, कितने चिक्स हैं, अगर 500 है तो 500 का बनवा दूंगा, 1,000 का है 1,000 का, लेकिन शुरू में आपने सही कहा आपको बेहतर है कि आप शमशाबाद से ही लेके उनको शुरू तो करें ना, स्टार्ट करें, ठीक है ना। और कोई मशवरा? वो तो मेरी जान मैं हर वक्त हाजिर हूँ, आप रोजाना में 11 से 1 बजे तक होता हूँ, इस वक्त 2:10 हो गए हैं, क्या ख्याल है, 2:10 आई या नहीं? नहीं नहीं एहतियात नहीं, ये तो आपको जब भी, अब मेरा वो मौसम या वो नहीं रहा, कुछ मेरे भी हालात इस तरह के हैं कि मेरे पड़ोस में कुछ थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन का चक्कर वो ठा ठा हो रही थी तो मैंने रोक दिया वो लोगों को कॉल्स, जूं ही वो बंद हुई है कॉल तो मैंने ऑन कर दिया, जूं ही ऑन किया तो आपको सबको नोटिफिकेशन आ जाती है, ये आपका मैं बंद ही अभी करूंगा तो कोई और कॉल आ जाएगी, वो बंद करूंगा कोई और कॉल आ जाएगी, तो नमाज भी मैंने पढ़नी है तो नमाज में बीच में फिर मैं आप लोगों से मैं गुनाह कमाऊंगा लेकिन अल्लाह की हाजिरी दे दूंगा, मैं नमाज पढ़ूंगा, ठीक है, बिस्मिल्लाह। और कोई कोई जनाब, यू आर मोस्ट वेलकम, ये भी मैं आप देख लिया करें जिस वक्त मेरे ऑन हुआ उस वक्त आप, लेकिन बेहतर ये है कि कागज कलम रखें और अपने पास सारे रिकॉर्ड कर लिया करें, या वैसे ही प्रोग्राम जो होता है वो रिकॉर्डेड होता है, ये यूट्यूब पे मेरे चैनल पे तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ये तो आपने की है तो मेरी भी तो रिकॉर्ड मेरे पास भी तो हो रही है ना, तो ये मेरे वाली जो है ये यूट्यूब पे चली जाएगी, आपकी तो आप तक ही रहेगी ना, मेरी तो है ये जब मर्जी है
जो मर्जी है वो देख लेगा, पब्लिक है ना। हाँ जी ठीक है, ओके, दुआओं में याद रखे। नाम क्या, अपना नाम क्या बताया आपने आपका? मियाँ जी नाम है। अच्छा, है पीछे कहाँ से, जंट कहीं है? माइग्रेटेड, माइग्रेशन कहाँ से की है? जालंधर से। ठीक है, चलें, अल्लाह ताला सलामत रखे आपको और आपके अरादों को भी, अल्लाह ताला पाया तकमील तक पहुंचाए, दुआ करूंगा। और जब भी कोई मसला हो तो जनाब आपको, यू आर मोस्ट वेलकम। ठीक है, ओके मियाँ जी, अल्लाह हाफिज, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। इस प्रोग्राम का इख्तिताम इस हदीस मुबारक पर कर रहा हूँ। हजरत इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है, हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यकीनन सच्चाई नेकी की तरफ रहनुमाई करती है और नेकी जन्नत की तरफ ले जाती है। आदमी सच बोलता रहता है यहाँ तक कि उसे अल्लाह के यहाँ बहुत सच्चा लिख दिया जाता है और झूठ नाफरमानी की तरफ रहनुमाई करता है और नाफरमानी जहन्नम की तरफ ले जाती है। आदमी यकीनन झूठ बोलता रहता है यहाँ तक कि अल्लाह के यहाँ उसे बहुत झूठा लिख दिया जाता है। ये मैं बुखारी और मुस्लिम से कोट कर रहा हूँ, दुआओं में याद रखें। फ़ीमानल्लाह। पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश से कॉल्स जुम्मा के सिवा रोज़ाना सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक ली जाएंगी और यूरोप और बैरूने ममालिक से कॉल्स शाम 4 बजे से 5 बजे तक ली जाएंगी। इन औकात पर 0333-5121-879 पे डॉक्टर अशरफ साहिबजादा से राबता करें। शुक्रिया।